ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 2 जो के है Sets, Functions and Groups. इनमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे वो है पहला टॉपिक है उसमें Concept of Relations, Functions. ठीक है यानी Relations and Functions और Second है Properties of Binary Operations. अब इनसे related जो हमारे पास MCQs हैं जो के हमें further इनके बारे में कांसेप्ट को مزید बेहतर करेंगे वो हम आपसे मैं डिस्कस करता हूं जी स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यू है इसकी स्टेटमेंट के व्हिच बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर्स का एक सेट सिलेक्ट करते हैं जिसमें के 1 आता है सबसे पहले फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन अब हम ये देखें कि अंडर किस बाइनरी ऑपरेशन के ये जो है क्लोज्ड नहीं है यानी इसके दो एलिमेंट्स को हम ऐड करें और उससे एक न्यू एलिमेंट बने जो कि सेट के अंदर मौजूद नहीं है ये चीज हमने चेक करनी है देखें अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं ठीक है तो मेरे पास 3 जवाब आता है और वो तो ऑलरेडी इस सेट के अंदर मौजूद है ठीक है इसी तरह मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं नेचुरल नंबर उसको ऐड करता हूं चाहे वो नंबर खुद ही क्यों ना हो यानी 2 और 2 ही क्यों ना हो उनको ऐड करूं तब भी मेरा जवाब नेचुरल नंबर ही है इसलिए हम कहेंगे ये अंडर एडिशन तो क्लोज्ड ही है ठीक है लेकिन यानी बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है इसमें हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इसमें डिफाइंड है अंडर अगर हम जो सबट्रैक्शन की अगर बात करें देखें अगर मैं 1 में से 2 सबट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास जो जवाब आता है वो -1 आ जाता है ठीक है वो -1 आ जाता है जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है जबकि मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जो जवाब आता है वो सेट के अंदर मौजूद है इसका मतलब मैं कहूंगा कि बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन भी डिफाइंड है मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है लेकिन अंडर सबट्रैक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा ठीक है इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा यहां पर वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन जिसके एक ऑर्डर पेयर्स बताए गए हैं कि यानी अगर उसकी डोमेन में 1 रखा जाए तो रेंज में 3 आता है ठीक है ये मैं d लिख देता हूं यहां पे r लिख देता हूं इसका अगर डोमेन में उस फंक्शन की 2 लिखा जाएगा तो रेंज में हमारे पास 1 आएगा इसी तरह अगर डोमेन में 4 होगा तो ऑपरेट होने के बाद जो आंसर आएगा रेंज का वो 5 आएगा ठीक है तो इस लिहाज से हमने ये बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो होगा वो इनमें से कौन सा सेट होगा ठीक है यानी कौन सा वो बाइनरी रिलेशन होगा जो फंक्शन का इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है देखिए यहां पर पहली बात कि ये एक 1 टू 1 फंक्शन है क्योंकि इसके जो रेंज के एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं ठीक है अब अगर हम यूं कहें कि जो के इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो फंक्शन की रेंज होती है उसको उठा के वापस उसी डोमेन पे ले आता है ठीक है यानी कि जो इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन में फिर 3 होना चाहिए और रेंज में 1 होना चाहिए तो क्या ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 3 1 लिखा हो ऑप्शन ए में है लेकिन फिर यहां भी ऐसा होना चाहिए कि वो 2 को ऑपरेट करे यानी इस डोमेन को उठाकर इस 2 पे ले आए ये उसकी रेंज होगी जबकि डोमेन उसकी जो है फिर वो 1 होगी क्या ऐसा इसमें हुआ देखें 1 2 नहीं लिखा वैसे ऑप्शन ए नहीं हो सकता अब 1 2 यहां लिखा है लेकिन यहां पर फिर 1 3 लिखा हुआ है ये 3 1 नहीं लिखा हुआ इसकी बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता सी में भी अगर आप देखें तो यही गलती इधर भी है कि ये नहीं हो सकता ऑप्शन और इसी तरह अगर हम इस थर्ड ऑर्डर पेयर को देखें तो इसमें अगर डोमेन में 5 लिखा होगा इनवर्स फंक्शन की तो रेंज में 4 आना चाहिए जो कि तीनों बातें होल्ड कर रही हैं इस लास्ट ऑप्शन में डी ऑप्शन में यानी कि 3 इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन है तो 1 इसकी रेंज है ठीक है 1 अगर इसकी डोमेन है तो 2 इसकी रेंज है 5 इसकी डोमेन है तो 4 इसकी रेंज है तो इसलिए आज से फिर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पे एक बेस्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी जिसकी स्टेटमेंट यूं है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती ठीक है केयरफुली हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को पहली स्टेटमेंट है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज फंक्शन ठीक है अब क्या ये बात दुरुस्त है इस बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर फर्ज करें मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं ठीक है साइन फंक्शन की चलें बात कर लेते हैं ठीक है अब अगर हम एक्स जो कि एंगल है इसमें 1 बाय मतलब पाई बाय 2 पुट करते हैं
या पाई बाय सिक्स पुट कर लेते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है y साइन 30 की वैल्यू होती है जी 1/2, ठीक है। लेकिन जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, यानी साइन इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे, ठीक है, या y, इसको मैं चलें y लिख देता हूँ इस सेंस में कि अगर ये y पे ऑपरेट होगा तो x आना चाहिए जवाब, ठीक है। तो देखें, अब अगर मैं इनवर्स फंक्शन में 1/2 पुट करता हूँ तो मेरे पास इसका एक जवाब नहीं आता, मेरे पास इसके दो जवाब आते हैं। यानी 1/2 पे एक जवाब मेरे पास पाई बाय सिक्स ही आएगा, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जो कि पाई माइनस पाई बाय सिक्स होगा, जो कि 5π/6 होता है, 5π/6 होता है, ठीक है। यानी फंक्शन की डेफिनेशन तो ये होती है कि डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो डोमेन की इस वैल्यू से एक दफ़ा रेंज पाई बाय सिक्स आई, और एक दफ़ा डोमेन की इसी वैल्यू से हमारे पास रेंज जो है वो 5π/6 आई। इसका मतलब कि ये फंक्शन ही नहीं है, तो फिर पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये ठीक नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमारे पास क्या हमें समझाती है, या क्या वो हमें इसमें मिलती है बात कि इनवर्स ऑफ ए लाइन इज लाइन, ठीक है। यानी अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस या 3x प्लस 5 पढ़ लेते हैं, चलें 3x प्लस 5, ठीक है, ये एक फंक्शन है। हम जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है एक लाइन होती है, ठीक है। अब इसका इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा कि मैं x को आइसोलेट करने के लिए 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगा, y माइनस 5 इक्वल टू 3x, और अब x को आइसोलेट करने के लिए जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 5 इक्वल टू 5, y माइनस 5 ओवर 3 इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आती है, 3 1 × 3 + 5 = 8। इसका मतलब कि अगर डोमेन में मैं 1 रखता हूँ इस फंक्शन जो कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेंज में 8 मिलता है। अब इसका इनवर्स फंक्शन क्या कर रहा है, ये एफ इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स कर लेते हैं हम इसे। अब इसमें चूंकि मैं यूँ बात करूँ कि इसमें जो हम अगर वाई जो है, अब वाई इसमें अगर मैं 8 पुट करूँ तो मुझे वापस अगर एक्स 1 मिल जाए, तो इसका मतलब ये इनवर्स भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमें क्या बात मिल रही है कि एक्स वैल्यू क्या आती है, 8 पुट करने से वाई 8 - 5 3, और 3 को 3 से डिवाइड करें 1 मिलता है, यानी 8 डोमेन में रखें तो रेंज में 1 मिलता है। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ठीक है, ठीक है। अब थर्ड को देखते हैं, इनवर्स ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन इज फंक्शन, ठीक है। अब आप देखें कि इंजेक्टिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो के मतलब जिसमें अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन भी होता है और इनटू फंक्शन भी होता है। यानी अगर फर्ज करें ये एक सेट ए है और ये बी है, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहे हैं 4, 5, 6 और 7। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या करेगा कि 1 को मैप करेगा 4 पे, 2 को मैप कर देगा 5 पे, 3 को मैप कर देगा 6 पे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन तो हो गया, हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। लेकिन जब इसके इनवर्स की बात करेंगे तो ये बी सेट अप डोमेन बन जाएगा, ठीक है। यानी 4 को वापस फर्ज करें 1 पे ले आता है, 5 को 2 पे, 6 को 3 पे, लेकिन 7 जो है ये अब इसको कोई एलिमेंट मतलब ये ऑपरेट ही नहीं हो सकता इस पे, इसके लिए यहाँ पर कोई रेंज में एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो फंक्शन की डोमेन होती है, एफ फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए, जो कि इस केस में अगर बी सेट है, ठीक है, अगर बी सेट इनवर्स फंक्शन की मैं बात करूँ तो उसकी डोमेन तो बी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि नहीं आ रही इसे हम कहेंगे फंक्शन ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर अब अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शंस में हमसे क्या बात की जा रही है कि पहला ऑप्शन जो है वो कह रहे हैं कि कैन नॉट बी ट्रू, कि पहला सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो है गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंड भी है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी, इसमें इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट क्यूमुलेटिव। अगर बाइनरी ऑपरेशन जो है
जो स्टार है वो इस तरह से एक्स और वाई के दरमियान से डिफाइन किया हो कि अगर एक्स स्टेरिक वाई टू एक्स वाई के बराबर होगा, तो फिर इसका मतलब है कि अगर हम वाई स्टेरिक एक्स की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो फिर होगा टू वाई एक्स के। और हम ये बात जानते हैं कि इन जनरल टू एक्स वाई और टू वाई एक्स ये बराबर होते हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट जो है ये क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। हमने वो ढूंढना जो क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो अगर एक्स स्टेरिक वाई को इस तरह से डिफाइन किया गया कि ये एक्स प्लस वाई होगा, तो फिर वाई स्टेरिक एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा, ये जारी बात है कि फिर इसमें y प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं इन जनरल y प्लस एक्स या x प्लस वाई ये क्यूमुलेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, ठीक है। इसलिए ये भी जो है सेकंड भी जो है वो क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर हम c ऑप्शन को देखें तो इसमें अगर x टेरिक y जो बाइनरी रिलेशन है उसको इस तरह से डिफाइन किया कि वो 2x होगा, तो फिर y स्टेरिक x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 2 फिर y के होगा, क्योंकि देखें इसमें x अगर पहले आ रहा है तो उन्होंने 2x लिखा है। अब अगर y को पहले लिखूंगा y स्टेरिक x तो 2y आएगा। अब 2y और 2x इन जनरल बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि y और x अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जैसे अगर फर्ज करें x 3 हो और y 4 हो, तो फिर यहाँ पे आंसर आएगा 6, लेकिन जब इस तरह से मैं लिखूंगा y स्टेरिक x तो इसका आंसर आएगा 8, तो 6 एक के बराबर नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो नॉट क्यूमुलेटिव लॉ है, मतलब क्यूमुलेटिव नहीं है, नॉट क्यूमुलेटिव है, ठीक है। जबकि अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो ये क्यूमुलेटिव है, क्योंकि इसमें भी अगर आप वाई स्टेरिक एक्स की बात करेंगे तो ये फिर किसके बराबर आएगा, इसमें 2y पहले आ जाएगा प्लस 2x बाद में आएगा, और ये हम जानते हैं कि ये भी क्यूमुलेटिव लॉ के अंडर एडिशन जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये बराबर होता है 2x प्लस 2y के, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो कि हमने यहाँ पर मतलब बाय डेफिनेशन जो है इस क्यूमुलेटिव लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक को देखते हुए अंडरस्टैंड करते हुए इस चीज़ को देखा की है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि इफ एक्स स्टार या स्टेरिक वाई जो बाइनरी ऑपरेशन वो इस तरह से डिफाइन हो के वो 3 times ऑफ एक्स इंटू वाई बन जाए, ठीक है, यानी कि x 3x हो जाए और फिर y से इसका प्रोडक्ट हो, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन वो क्या होना चाहिए। देखें अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो 1 स्टेरिक y जो है वो इस फार्मूला के हिसाब से 3 इंटू 1 टाइम्स y बन जाएगा, यानी 3y बन जाएगा, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसको जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही दोबारा आता है, यहाँ तो वाई आने की जगह 3y आ गया, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं रिवर्स इंजीनियरिंग जो मेथड है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें कि अगर 1/3 को वाई से मल्टीप्लाई किया जाए अंडर स्टेरिक ये ऑपरेशन जो है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया जाए, तो चूंकि इसी के अंडर हम बात कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बनेगा 3 times of 1/3, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट दे जाएगा वाई से, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज है, 1 × y आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 को तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब क्या राइट साइड से भी बनता है, यानी अगर मैं वाई को मल्टीप्लाई करूँ 1/3 से, ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये बन जाएगा 3y × 1/3, तो 3 से कैंसिल, अगेन y आंसर आ गया। इसका मतलब कि 1/3 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टेरिक है, और इस तरीके से उसको डिफाइन किया गया। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को मार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं हो सकता, चूँकि 1/9 जो है वो 3 को एग्जैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है, और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि इफ एक्स टेरिक वाई इज इक्वल टू 5 times x into y, देन इनवर्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन जो स्टेरिक है ये क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इसका आंसर करने से पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि इस बाइनरी रिलेशन के अंडर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, ठीक है,
ये चूंकि अभी स्टेरिक पे डिफाइंड हुआ हुआ है, ठीक है, ये हम इसे मल्टीप्लीकेशन तो नहीं कह सकते कि हम सूम करें कि वन इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है, मतलब इन्वर्स सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इन्वर्स फाइंड करने से पहले आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इससे पहले पिछले भी एमसीक्यू में हमने देखा था कि अगर 5xy हो तो 1 ओवर 5 जो है उसको, बल्कि इसको हम इस तरह से चलें चेक कर लेते हैं कि 1 ओवर 5 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं है, ठीक है, सॉरी इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर आइडेंटिटी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 1 ओवर 5 स्टेरिक y लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, देखें इस कंडीशन के तहत 5 टाइम्स ऑफ 1 ओवर 5 हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा y से, 5 1 ओवर 5 से कैंसिल हो जाएगा, y आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर हम y को मल्टी मतलब अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन जो है वो लिख कर जो भी सॉल्व करते हैं उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 1 ओवर 5 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, इस फार्मूला के तहत 5 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा 1 ओवर 5 से, तो 5 5 से फिर अगेन कैंसिल और y आंसर आ गया। इसका मतलब कि हमने जो यहाँ पर देखा था 1 ओवर 5 वाकई मल्टीप्लीकेटिव सॉरी इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जो इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका मतलब कि इनमें से वो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है जिसको के 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है हमारा वो 1 ओवर 5 आए, ठीक है, 1 नहीं बल्कि 1 ओवर 5 आए। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम चेक करें, ठीक है, अगर रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर हम देखें कि 1 ओवर 2 इसको अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये क्या बनेगा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देखें यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ 1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा 5 जवाब आएगा, जो कि मल्टीप्ली जो कि इसकी इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, हम इसे कैंसिल कर देंगे, मतलब ये नहीं है, ठीक है। 1 ओवर 10 को देखते हैं और इसे चेक करते हैं किससे क्या जवाब आता है, ठीक है, मैं स्क्रीन को यहाँ से थोड़ा सा इस पर स्पेस तो बना देता हूँ, ठीक है जी। अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं, देखें अगर फर्ज करें 1 ओवर 10 लिखा जाए, ठीक है, स्टेरिक या बाइनरी ऑपरेशन इसका 2 के साथ दिया जाए, तो ये क्या आएगा, 5 टाइम्स ऑफ 1 ओवर 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 5 2 टाइम 10 होता है, 2 2 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी 1 ओवर 5 नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी बी ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। अब हम जो हमारे पास इसे नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन सॉरी जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है 1 ओवर 50 इसको देखते हैं हम, देखें 1 ओवर 50 जो है इसका अगर बाइनरी ऑपरेशन लिया जाए 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, 5 टाइम ऑफ 1 ओवर 50 बनेगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें यहाँ पर 2 के टेबल्स बल्कि 5 के टेबल से 5 10 टाइम 50 और 2 5 टाइम 10, तो ये 1 ओवर 5 आता है। और इसी तरीके से अगर हम 2 का बाइनरी ऑपरेशन 1 ओवर 50 से ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 2 आएगा और इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा 1 ओवर 50 से, तो यहाँ भी देखें ये 5 10 टाइम 50 और 2 5 टाइम 10, 1 ओवर 5 ही आंसर आया। इसका मतलब कि लेफ्ट या राइट दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने से 1 ओवर 50 को आंसर आइडेंटिटी ही आ रहा है। इसका मतलब कि 2 का जो इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर जो इन्वर्स होगा वो 1 ओवर 50 होगा। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, मार्क कर देंगे, यही हमारा जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा।